वेलकम बैक, आदित्य नचनित्य सी ओई पी। तो वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो कल से यानी 14th of July से आपका MSCET का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया था, राइट। तो अभी आप सभी का एफसी वेरिफिकेशन सभी को करवाना पड़ेगा, मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए हैं आपको सेम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे आपके आसपास के कोई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से या फिर एफसी सेंटर की जो लिस्ट गिवन है वहाँ से। स्क्रूटनी वेरिफिकेशन में मोस्टली दो टाइप ऑफ वेज है, एक तो ऑनलाइन है, दूसरा ऑफलाइन है। मैं प्रेफरेबली सभी लोग आपको ऑफलाइन सजेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑनलाइन में टाइम लगता है एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया जो कि आपको एडिट करनी पड़ेगी उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। दैट्स अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन चीज़ें ऑन द स्पॉट होती है, ठीक है। दैट्स ऑफलाइन आप जाने का प्रेफर कर दिए एंड ऑफलाइन जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है एंड वहाँ पे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कंप्लीट अपन इस वीडियो में बात करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो तो आपको ऑनलाइन अपना जो FE 2024 का वेबसाइट है आपका कैपराउंड का, आपको वहाँ पे स्लॉट बुक करना पड़ता है। मतलब आपका जो भी आसपास का इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक तो आप डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई ये कॉलेज मेरे को सबसे पास है तो मैं यहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाने वाला हूँ। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी 1 आवर दिया जाता है कि भाई आप दिन में 1 आवर का ये स्लॉट पकड़िए, इस स्लॉट में आपको वेबसाइट वेरीफाई करना है। अपने जो भी स्लॉट एंड जो भी टाइम वहाँ पे सेलेक्ट किया है आपको सिर्फ उसी टाइम पे जाके आपका वेरीफिकेशन करवाना है। अब जैसे फॉर्म सबमिट करते हो तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करते हो तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखता है कि भाई आपको ये 7 या फिर ये 8 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वेबसाइट वेरीफिकेशन के टाइम पे। वो ओरिजिनल 7 डॉक्यूमेंट्स प्लस आप क्या कीजिए अभी 2-3 सेट बनवा के रखे उन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का, मतलब जो भी 7-8 डॉक्यूमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है, उसका सेट बनाइए, ठीक है। वो 7 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दैट आपका जो PDF मिला है आपको रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, ये वाला PDF आपको जो मिला रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इसका भी कॉपी लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। उसको आप पहले ही सिग्नेचर कर लीजिए घर से ही, ठीक है। आपका जो साइन है जो आपने सीट के टाइम पे दिया था, जो आपने अपलोड किया था, आपको सिर्फ वही साइन करना है, डोंट चेंज योर सिग्नेचर नाउ, अगर करोगे तो आपको इश्यू आएगा आगे, ठीक है। तो आपको ये 7-8 डॉक्यूमेंट्स का बंच बना के लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट मतलब जेरोक्स, ठीक है, ये आपको लेके जाना है एफसी सेंटर के पास, ठीक है। जैसे आप पे जाते हो वहाँ पे कोई आपको टीचर मिलेंगे, उनसे आप असिस्ट कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे एफसी वेरीफाई करने के लिए आया हूँ एंड ये मेरा टाइम स्लॉट है, ठीक है। जैसे वहाँ पे जाते हो तो आपको लाइन में बिठा देंगे बेसिकली वहाँ पे, ठीक है, मतलब आपकी बारी आएगी, मतलब आपके उस स्लॉट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वन बाय वन उनको वो अनाउंस करेंगे, उनको वो लेंगे वहाँ पे एंड वहाँ पे आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। अगर कोई इशू है तो वो वहीं पे आपको सॉर्ट कर देंगे एंड जिन लोग की प्रोफाइल अभी लॉक हो चुकी है, मतलब जिन लोगों ने कुछ गलत अपलोड कर दिया तो वो भी उनके पास ही उसका अथॉरिटी है, दे आर एडमिन्स, दे हैव कंप्लीट राइट्स कि वो आपको प्रोफाइल अनलॉक कर सकते हैं या फिर आपका प्रोफाइल पूरा क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, कि आपने जो भी पासवर्ड बनाया है कल या फिर आप आज जो भी बनाओगे पासवर्ड आपके रजिस्ट्रेशन के बाद से, तो आपको वो पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। आप जिस भी एफसी सेंटर पे जाओगे आपको कोई भी वो पासवर्ड नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो कहीं आपको नहीं बताना है। कॉलेज आपका लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है। केसेस लास्ट ईयर हुई थी, बहुत सारे स्कैम्स हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, कि हुआ क्या था, आपने जो भी स्क्रूटनी सेंटर पे आपका डेटा सबमिट किया था, आपने यहाँ पे पासवर्ड सेव कर लिया था, ठीक है। बहुत लोग है जो कि कैपराउंड का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं एफसी सेंटर पे, बहुत लोग है जो कि रजिस्ट्रेशन करने को जाएंगे एफसी सेंटर पे, ठीक है। तो भाई अगर आप वहाँ के डेस्कटॉप पे पासवर्ड सेव कर लेते हो या फिर कोई टीचर है जो कि आपका पासवर्ड नोट कर देता है या फिर सेव कर लेता है डेस्कटॉप में, ठीक है, तो आपको करना क्या गाइज, वो लोग बाद में आपका कैपराउंड का जो फॉर्म है वहाँ पे छेड़खानी कर सकते हैं एंड लास्ट ईयर किया है ये चीज़ें, दैट्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपने नेट कैफे से फॉर्म भरा है या फिर किसी सेंटर से आप भरने वाले हो, मान लो कि उन टीचर ने पासवर्ड डाल ही दिया, ठीक है, भैया हो गया, डाल दिया उन लोगों ने पासवर्ड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप इंस्टेंटली घर पे आते हो या फिर आप ऑन द वे रहते हो तभी आपको FE 2024 का पोर्टल पे जाना है, आपको इंस्टेंटली पासवर्ड चेंज करना है। कैसे करना है लेट मी टेल यू, आपको पहले तो FE 2024 का वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपका जो आपको ऑलरेडी रजिस्टर पर टैप करना है, आपको वहाँ पे ID पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे नीचे आई कांट एक्सेस माई अकाउंट है फिर ऐसा कुछ तो ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर टैप कर देना है, फॉरगेट पासवर्ड कर देना है, सबमिट करना है। आपको वो लोग थोड़ा डेटा पूछेंगे, आपका नंबर वगैरह पूछेंगे, ठीक है, कैप्चा भरना है, सबमिट करना है, नया पासवर्ड आ जाएगा, पहला ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है एंड पूछेगा नया पासवर्ड क्या है, आपको नया पासवर्ड फिल कर देना है, ठीक है। आप इंस्टेंटली जब भी एफसी से या फिर किसी नेट कैफे से भाग घर आते हो आपको पहला स्टेप यही करना है कि आपको पासवर्ड चेंज कर देना है ताकि कोई भी आपका अकाउंट एक्सेस ना कर पाए। ऐसे ही वो लोग आपका डेटा खाना चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, वो वहाँ से एडमिन पैनल से आपका जो स्क्रूटनी वो कंप्लीट कर देते हैं ऑन द स्पॉट एंड आपको एक रिसिप्ट देते हैं जहाँ पे एक स्टैम्प रहता है कि भाई ये बंदे का एफसी स्क्रूटनी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, ये बंदा फर्दर कैपराउंड के लिए एलिजिबल, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। अगर नहीं है तो वो वहीं पर टाइम देते हैं कि भाई आप
जो भी टाइम बचा है वहाँ पे एडिट कर लीजिए, ठीक है। ये सारी रहती चीजें एप सेंटर के बारे में, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीजें एप सेंटर के बारे में, आई होप इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा भी तो भाई अभी कमेंट में पूछो, ठीक है। सारे एडमिन्स को मैंने ऑन कर दिया है, तो जैसे कमेंट आएगा हर एक कमेंट का आंसर आएगा इस वीडियो के नीचे वाला, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा तो कंप्लीट नाउ, आगे रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी क्वेश्चन पूछो, कितना भी सिली डाउट है आस्क मी, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट। ये था कंप्लीट वीडियो, बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।